हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल ब्यूटी। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में कोई मेकअप लुक शेयर नहीं करने वाली हूँ। मैं वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। कुछ लोग जो मेकअप करते हैं डेली बेसिस पे, तो उनके फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं, रिकाउट्स हो जाते हैं स्किन पे। तो बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि मेकअप की वजह से उनके फेस पे इतने सारे पिंपल्स निकल रहे हैं, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है। अगर आप मेकअप करते हैं तो आपको इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप जिन ब्रशेस से मेकअप कर रहे हैं वो पूरी तरीके से क्लीन होने चाहिए, बैक्टीरिया जर्म्स फ्री होने चाहिए, और जो ब्यूटी ब्लेंडर है, स्पंज है, वो भी अच्छे से क्लीन होने चाहिए। अगर वो क्लीन नहीं होते हैं अच्छे से तो हमारे फेस पे पिंपल्स निकलने लगते हैं, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, और स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कंडीशन में लगता है कि हम लगाते हैं तो उस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आज के टाइम में सभी लोग ब्रांडेड मेकअप यूज़ करते हैं, अच्छा मेकअप यूज़ करते हैं, उस मेकअप से इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर फिर भी आप लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम होती हैं कि फेस पर पिंपल्स बहुत हो रहे हैं, स्किन डैमेज होती जा रही है, तो मैं इस वीडियो में आपके लिए एक अच्छा सा सॉल्यूशन लेके आई हूँ। वीडियो नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड भी चेंज है और मेरी स्किन भी बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैंने अभी स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया है। मेरे चैनल पे मोस्टली आपको मेकअप वीडियो ही देखने को मिलते हैं, तो आप मेरी स्किन को अच्छे से देख सकते हैं कि मेरे स्किन पे कोई भी पिंपल्स नहीं है, ब्रेकआउट्स नहीं है। एक पॉइंट और मैंने बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि मेकअप करने से पहले स्किन केयर अच्छे से कर लें, तब भी आपके फेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेकअप की वजह से। तो उस वीडियो को मैं आई बटन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। जिस चीज़ की बात कर रही थी वो ये, आपके मेकअप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके मेकअप ब्रशेस एंड मेकअप स्पंज। मेकअप ब्रशेस से आप मेकअप करते हैं और इनमें धूल मिट्टी जम जाती है, और आप मेकअप अप्लाई करते हैं तो इनमें मेकअप भी लग जाता है। ये आई शेडो जैसा इनमें लगा हुआ है, फाउंडेशन ब्रश में फाउंडेशन लगा हुआ है, इसी वजह से हमारे फेस में पिंपल्स हो जाते हैं। किस प्रोसेस से बैक्टीरिया जम से फ्री करते हैं ताकि ये आपके फेस पे ब्रेकआउट्स पिंपल्स को ना होने दे, आपकी स्किन को मेकअप करने के बाद भी क्लियर रखें। सबसे पहले आपको एक क्लीन बोल लेना है, उसमें आपको पानी ले लेना है। देन उसमें आप कोई भी शैम्पू मिक्स कर सकते हैं ताकि ब्रश से जो मेकअप लगा है वो क्लीन हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये डब का शैम्पू है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक दो पंप यूज़ कर रही हूँ शैम्पू का। उसके बाद इस पानी में टॉल लिक्विड को मिक्स करना है। ऐसे पानी में हमें ये जो इसका जो ढक्कन है उसको हमें आधा भर के लेना है और इस पानी में मिक्स कर देना है। देन इस पानी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। इस तरीके से डिप करना है। डिप करने के बाद ऐसे आपको एक छन्नी लेनी है जिससे हम चाय को छानते हैं। जो मेकअप ब्रश क्लीन करने वाला आता है उससे भी क्लीन कर सकते हैं, तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इससे भी क्लीन कर सकते हैं। तरीके से इसमें क्लीन करना है, फिर नॉर्मल वाटर में इसको क्लीन कर देना है। ये इतना क्लीन हो गया है। तरीके से आपको सारे ब्रशेस क्लीन कर लेने हैं। सेम प्रोसेस से आपने ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, ये देखिए कितना गंदा हो गया है, इसको आपने इसमें डिप करना है और अपने हाथों से इस तरीके से साफ करना है इसको। ट्रस्ट मी, इस तरीके से आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर या मेकअप ब्रशेस को क्लीन करेंगे तो आपके फेस पे पिंपल्स वगैरह कुछ भी नहीं होंगे। साफ़ करने के बाद आपने नॉर्मल वाटर में इसको मार मार के साफ़ कर देना है। इसी प्रोसेस से आपने अपने ब्यूटी ब्लेंडर को, मेकअप ब्रशेस को क्लीन करना है। एंड आपको एक मग लेना है, उसमें आपने ये डिटॉल लिक्विड को एक ढक्कन, जितना मैंने आधा ढक्कन अभी लिया था उसका एक ढक्कन लेना है, इस मग में मिक्स करना है एंड सभी ब्रशेस को डिप करके रख देना है 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद सारा पानी निकालने के बाद आपको धूप में इनको सुखाना है, उसके बाद आप फिर से इनको यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोसेस को आपने समर में ज़रूर करना है क्योंकि समर में पसीना बहुत निकलता है, और आप बार बार अगर उन्हीं ब्रशेस को अपने फेस में यूज़ करते हैं
तो पिंपल्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आपको इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करना है और इसके साथ साथ मेकअप करने से पहले एक अच्छी से स्किन केयर कर लेना चाहिए, तो आपके फेस पे कभी भी पिंपल्स नहीं निकलेंगे, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स नहीं निकलेंगे और आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर रहेगी, जैसा कि आप मेरी स्किन देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। लोग मेकअप करते हैं उनके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो।